ये इसलिए हंस रही है क्योंकि इसका फास्ट है ना, जैसे मैंने बताया था। लेकिन अभी हम ये बैठे वो भिगो के बादाम खाते हैं ना, वो खा रहे थे और इसने उसमें से एक खा लिया। मैं आपको खिला रही थी, आप खुद चिलो और खुद खाओ। ये लो अपना फूड भी, खुद काटो खुद खाओ। व्रत रख के और मम्मी पापा के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करके और वो बचपन के यारों के साथ जिनके साथ हम गली क्रिकेट खेलते थे, बहुत बहुत सालों बाद आज फिर हमने गली क्रिकेट खेल के हम 3 दिन पूरा घर में रह के पूरा कहते ना चार दिन पूरा रिलैक्स किया, माइंड फ्रेश। मैं बेड पे इतना बैठा हूँ ना, इतना बैठा हूँ कि जहाँ पे मैं बैठता हूँ ना वहाँ पे गद्दे में खड्डा बन गया। लेकिन अब आप सोच रहे हो गए कि हमने बहुत शोर डाला था कि आगे जाना है, हमने फिरोजपुर से आगे जाना है, तो भाई फिर आगे गए क्यों नहीं? वो इसी रीज़न के कारण नहीं गए क्योंकि हमारा प्लान था फिरोजपुर में सिर्फ एक ही दिन रुकने का, जो व्रत वाला दिन, जहाँ व्रत वाला दिन था वही दिन रुकने का। लेकिन हुआ क्या कि फिर जब वहाँ पे गए ना तो हमें फिरोजपुर में ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, क्योंकि हमें था कि यार घूम तो हम कभी भी लेंगे ना, और बस इसी रीजन के कारण कि हमें वहाँ पे घर पे पेरेंट्स के साथ ज्यादा मजा आ रहा था तो हमने कैंसिल कर दिया। हालांकि हमने, मैं आपको बता देता हूँ जाना कहा था, हमने जाना था मनाली। कोई नहीं, मनाली तो फिर आते जाते रहेंगे और मम्मी पापा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं से नहीं मिलेगा आइसक्रीम केक, क्योंकि नॉर्मल केक तो बहुत खा लिए, अब हम ढूंढ रहे हैं आइसक्रीम केक। लेकिन ऑब्वियस है कि मौसम नहीं है आइसक्रीम केक वाला, तो इसलिए हमें आइसक्रीम केक मिल नहीं रहा। कल था शरीर की सबसे बड़ी बहन का बर्थडे और हम थे नहीं यहाँ पे, हम आ जाए हैं तो हमने सोचा एक केक हम भी ले जाएं। अब हम गूगल मैप पे सर्च मारी है कि हैवमोर का पार्लर कहाँ पे है, हमें हैवमोर का पार्लर नहीं मिल रहा। बट है नियर है, नियर बाय ही, बस उम्मीद है कि वहाँ से केक मिल जा। राइट ऑन। नन्नी कहती स्टाइलो जी आप इतने छोटे छोटे व्लॉग्स मत डाला करो, आपके पिछले 3 व्लॉग्स 8 मिनट से नीचे हैं। और मेरा जैसे इंटरेस्ट बनने लगता है आप लोग खत्म कर देते हो। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत प्यारा बोल रही हूँ। हम गूगल मैप्स के थ्रू किसी मार्केट में तो पहुँचे। एक्चुअली क्या है कि हम पंचकुला हैं इस वक्त, हाँ, और हम पंचकुला से इतने ज़्यादा फैमिलियर हैं नहीं, तो गूगल मैप्स के थ्रू किसी मार्केट पे तो पहुँचे। लेकिन उसने ना घुमा के उसकी बैक साइड हमें ले आए और यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए सरी पहले देखने गई है। ये आ गया। हाँ, हम जिस मार्केट में जाते हैं वहीं पर मिल रहा था, मतलब वो बहुत बड़ा शोरूम था और हमें मिला ही नहीं। बर्थडे मना के घर, अब इतने सारे लोग हैं हमारी फैमिली में तो किसी ना किसी का बर्थडे तो आते ही रहता है। और अभी भी बर्थडे खत्म हुए नहीं है, लेकिन अगेन अभी टाइम हो रहा है 10:15। जो गाड़ी भर के लेके आते हैं जो हमारा ये सामान होता है, इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने काफ़ी देर बाद बहस बसैया करके हमने एक सोल्यूशन निकाला है। वो सामान अभी नहीं निकालेंगे, सामान निकालेंगे कल, तो यानी कि आपको अगले व्लॉग में देखने मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे ही सामान निकाल देंगे, हम खेलेंगे एक गेम, वो गेम होगी बोतल फ्लिप वाली, होती है ना जिसकी बोतल खड़ी होगी, तीन ट्राई होंगे, क्योंकि जो हार गया वो सामान निकालेगा और सारा, कोई मदद नहीं करेगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। और मैं भी तरस नहीं खाऊंगा कि हाय मेरी बीबी खुला सामान निकालेगी, मैं तरस नहीं खाऊंगा, ठीक है? ओ हेलो, मेरे पे तरस करने की जरूरत नहीं, आई एम अ ब्रेव गर्ल, तो मैं कर सकती हूँ। वैसे ऋषि को ना मेरे पिंक बाल कराने में तरस आ गया था। सामान नीचे ही पड़ा रहेगा। ये हो गई गाड़ी बंद, हम पहुंच गए हैं जी। पता ही आपको क्या पहुंच गया, घर पहुंच गए, पता ही है आपको, आप कौन सा नहीं हमारे घर से वाकिफ हो। ये हमें गिफ्ट आया है सरी की दीदी की तरफ से। इसका बहुत अच्छा मतलब होता है कि इसको एंट्रेंस पे रखो। अभी मैंने जिसमें आया था उसके ऊपर रखा, बिकॉज अब भी कोई छोटा टेबल नहीं है, तो वो मैं ऑनलाइन देख रही हूँ इसके लिए प्रॉपर, इसके लिए ही टेबल। तो कहते सुबह उठ के ऐसे करके इसके पेट पे हाथ लगा रहा तो बहुत अच्छा होता है, यू फील लाइक हैप्पी हैप्पी। ऐसे करो तो तुम्हारा पेट खुद बाहर निकलता है। अब वो कौन से तरह के पेट की बात हो रही है वो बता नहीं।
क्या है पीछे पीछे लेके घूमो। और फिरोजपुर जाके इतना ज़्यादा व्लॉग किया नहीं क्योंकि आई वॉज इन माई ओन जोन, तो इसलिए कैमरा उठाए ही नहीं, इसने नहीं उठाने दिया मुझे कैमरा। एज अ क्रिएटर तुम्हें कभी कभी चाहिए होता है ना कि यार यू नीड सम रेस्ट फ्रॉम कैमरा, है ना। अब वो थोड़ा वो ज्यादा हो जाता है ना कैमरा 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 कभी कभी सम टाइम। वैसे तो ऋषि को व्लॉगिंग करना कैप्चर करना बड़ा पसंद है, ये हर चीज में कैप्चर करता रहो, बट सम टाइम वो थोड़ा ऋषि फील कभी कभी से कभी कभी बोल अभी जैसे हुआ। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड, और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कोई, क्योंकि अरे सब समझते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना। सही बात है। लेकिन फिरोजपुर जाके एक और अच्छी बात हुई है कि मैंने अपना मोबाइल फिर अपग्रेड कर लिया है। जो अब मैंने लिया है वो लिया है S21 Plus। वो वाला दे दिया, वो पहले मेरे पास था सैमसंग नोट 10 लाइट, उसका मुझे कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसके वो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करता था, बहुत ज़्यादा दुखी करता था, इसलिए मैंने ये लिया है। हालांकि जो प्लान था वो प्लान था, किसी ने रिकमेंड किया था 1+8T लेने का, लेकिन फिर वो आईफोन तो हर कोई बोलता ही है ना। वन प्लस 8T लेने का किसी ने रिकमेंड किया था कि भाई उसका अच्छा कैमरा है, लेकिन उसकी रिसर्च करते करते हम पहुंचे वन प्लस अल्ट्रा पे, अल्ट्रा से हम पहुंचे S20 Plus पे। S20 Plus लेने गए, वो कहते वो आना ही बंद हो गया, फिर हम S21 Plus लेके आ गए। लेकिन अब मैं इसके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है हमारी सोनी ZV-1 की क्वालिटी, और ये है फ़ोन से ही, फ़ोन के सेल्फी कैमरा से क्वालिटी। हालांकि ऑब्वियस है कि फ़ोन कैमरा को रिप्लेस तो नहीं करेगा, लेकिन कई कई मौके होते हैं जहां पे ऑन दी स्पॉट तुम्हें शॉट लेना होता है या कोई चीज़ मूवमेंट उसी वक्त कैप्चर करनी होती है, क्योंकि कैमरा के चक्कर में ना ऐसी हमारी डेली लाइफ में बहुत सी मूवमेंट्स होती थी जो रह जाती थी सिर्फ और सिर्फ कैमरा के चक्कर में, क्योंकि कैमरा उठाना पड़ना ऑन करना है ना, तो ऐसी बहुत सी मूवमेंट होती है जो रह जाती हैं। और फ़ोन एक होता है हमेशा ही साथ में होता है, कभी कभी ये भी होता है कि हमारे पास कैमरा नहीं हो पाता कि हम वहाँ पे होते हैं और कैमरा वहाँ, फोन तो चिपका ही रहता है साथ में ना, तो इसलिए अब थोड़ा ये सही, मुझे बहुत अच्छी लग रही है क्लैरिटी। हाँ, अब इसमें थोड़ा सही रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी यही कैमरा रहेगा। कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेजेस ये भी आते हैं कि भैया आप ये बताओ कि आप एडिटिंग किससे करते हो। एसएस की ROG सीरीज़ का SCAR 3 लैपटॉप है मेरे पास, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप में आ जाता है। इसको मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है लिए हुए, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लास्ट दिसंबर लिया था मैंने, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया और अभी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक हमारी वीडियो रेंडर बटर की तरह होती है, बटर की तरह। ये लैपटॉप मुझे पड़ा था 1,20,000 के आसपास का, हालांकि इस रेंज में लोग मैक को प्रेफर करेंगे, लेकिन मैंने और शंदन ने मिलकर विंडोज़ को प्रेफर किया, और मुझे कोई भी 1% भी रिग्रेट नहीं है कि मैं विंडोज़ को प्रेफर किया, क्योंकि अभी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं और सारे काम बड़ी स्मूदरी हैं, बटर की तरह हो जाते हैं। और जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अडोब प्रीमियर प्रो, बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग। और अपने इस गैजेट्स गैंग में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी बहुत जल्द, बहुत जल्द, मतलब कि उस चीज़ का इंतज़ार हमें भी बहुत सदियों से था और आपको भी बहुत सदियों से है। एक और कांड हो गया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या? जो मेरा ये GoPro जो मैंने अपनी एक्टिवा बेच के लिया था, जैसे कि मैंने बताया था कि ये GoPro मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन वेरी सैडली कि इस GoPro के अंदर पानी चला गया। हुआ क्या कि जब मैं शूट कर रहा था तो जो ये साथ में ये ढक्कन होता है ना, ये खुला रह गया और मुझे पता नहीं था कि ये खुला हुआ है और इसके अंदर पानी चला गया। अभी इसको ठीक होने देना है, उम्मीद है कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा दुख होगा अगर ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट सी है। अभी दिखाता हूँ कि इस बैग में क्या है और ये बैग में क्यों आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहता हूँ कि जैसे हम फैमिली बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि एज अ बड़ा भाई या एज अ बेटा, एज अ छोटा भाई, जैसे भी आप तक ये मैसेज पहुँचाऊँ। जैसे हम अभी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फेस कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लर्न कर रहे हैं और उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। उनमें से एक चीज़ ये है कि आपको आपकी लाइफ में 3-4 चीज़ों के बारे में ज़रूर सीखना है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आपको ज़रूर सीखना है। अगर आप वो एक आइडियल वाली डेफिनेशन बोलो ना, वो क्या है, एक तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हमारा इमरजेंसी फंड, इन
तीन चीज़ों के बारे में ज़रूर सीखना है, और चौथी चीज़ इन्वेस्टमेंट्स। इन चीज़ों के बारे में यूट्यूब के ऊपर ज्ञान भरा हुआ है, वहाँ से ज्ञान लो एंड एक्शंस लो। मेन पॉइंट ये है, कंफर्म करो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं है, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्या चीज़ है, क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस है, किसके लिए ज़रूरी होती है, किसके लिए ज़रूरी नहीं होती, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, या फिर इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, कौन सी रिस्की हैं, कौन सी रिस्की नहीं है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, आज हम थोड़ी सीरियस टॉक कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा खप 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 तो चलती रहेगी, लेकिन एक लाइफ को चलाने के लिए सिर्फ खप 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 से लाइफ नहीं चलती। लाइफ मजे होती है, लेकिन खप खप करने का भी तभी मजा आता है व्हेन वी फील सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। जब हमारे यहाँ पे भोज नहीं होता, ये आपको पता ही है कि पिछले एक हफ्ते में मेरी क्या सिचुएशन थी, तो जब वो खप खप करने का भाई तभी मजा आता है जब यहाँ से पीस ऑफ माइंड हो। और ये चीज़ों के बारे में मैं दिल से चाहता हूँ कि आपको सीखना चाहिए, क्योंकि और क्यों, क्योंकि आप बोलते हो कि वी गाइज लुक अप टू यू, तो मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ों के स्टेप ले रहा हूँ, तो मैं अपना एक फ़र्ज मानता हूँ कि मैं भी आपको ये बताऊँ कि आपको अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें एज मैटर नहीं करती, आपकी एक YouTube पे सर्च मैटर करती है। बाकी इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि व्हाट वी आर डूइंग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इंडिया की हर फैमिली को ये स्टेप लेने चाहिए और इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताता हूँ। तो इसी चीज़ के साथ अपना ये व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नवी। ऋषि महाराज का ज्ञान लेके जो फ्री में ले लो, बहुत अच्छा है ज्ञान, बहुत फायदा है। नहीं, अगले व्लॉग में खप लेके मिलेंगे।